ऐसा दुख दुख हो रहा है बट होपफुली मतलब कोई सॉरी इधर कोई गोची ना हो स्टेज पे, तो आशा वही है कि अच्छा चला जाए, लोगों को मजा आए. बहुत नर्वसनेस है कि मैं तीसरी बार होस्ट कर रही हूँ, पर आई थिंक उसकी आदत कभी भी नहीं पड़ती. वो नर्वसनेस हमेशा होती है स्टेज पे जाने की, पर आई थिंक इट्स अभी वेरी ग्रेटफुल बिकॉज इट्स अ स्पेशल ईयर फॉर आईफा. इट्स होम कमिंग, इट्स 20th बर्थडे, इट्स हैपनिंग इन मुंबई एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू होस्ट इट. पहले आईफा अच्छा है, अभी लास्ट टाइम वर्सोवा से न्यूयॉर्क गए थे, अभी वर्सोवा से सिर्फ बर्ली आना पड़ा. मैं बहुत खुश हूँ, 2 घंटे में पहुँच गई और अच्छा है. सारी फ्रेटर्निटी साथ में आती है. आई एम एक्साइटेड टू सी द शो. मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ अपने कुछ सॉन्ग्स पे, सो परफॉर्मेंस है और बाकी सबकी परफॉर्मेंस देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड आई फर्स बैक इन आर ओन सिटी, सो टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट. हाँ, तो अभी आईफा 20 साल यंग है, तो मुझे भी 20 साल पीछे आना पड़ेगा टू बी एबल टू वॉक दिस रैंक. तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और शांति निकल बहुत ही कमाल के डिज़ाइनर्स हैं और उन्होंने जो बनाया है मेरे लिए आज रियली रियली ब्यूटीफुल. IIFA Rocks is always the prequel to the big IIFA night, which of course is on the 18th, today after tomorrow. So I think it's just it's a chance for everyone to get together. There's always some really nice performances and there's a lot of fun energy, and I think everyone's just gearing up for the big night. I'm very excited about the show on the 18th. I think it's going to be a magical night. IIFA is always, there's always something unexpected that happens at IIFA. There's always like some really memorable moment. And the performances and the acts which Shamak has done is really spectacular. Me and Shamak have worked on something which is really, really new. It's something I've never done before on stage, so I'm really looking forward to it. हाँ जी, 18th को IIFA में first time perform कर रहा हूँ IIFA stage पे. IIFA stage has always been very special to me. I've got my debut award in IIFA, at IIFA in 2016, so तब से बहुत special है. But this is the first time performing on IIFA stage. Little nervous, but very, very excited.